Assalamu alaikum, good evening from Sudan Gali. This is the second episode of our Ganga Choti कैंपिंग सीरीज. अभी हम जाने लगे हैं यहाँ से सुदन गली मेन मार्केट के अंदर. वहाँ से हमने कुछ डिनर के लिए चीज़ें परचेज करनी है. हमारा प्लान है कि हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए, रोटी वगैरह और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारा कुछ हमें चाहिए. तो अभी हम सुदन गली के मेन बाज़ार में जा रहे हैं. चीज़ें हमने सारी कुछ पैक कर ली हैं और यहाँ से हम निकलने लगे हैं. वहाँ जाएंगे, वहाँ से चीज़ें परचेज करेंगे और उसके बाद फिर हम गंगा चोटी की तरफ निकलेंगे. सो अभी यहाँ से जो है हमने चिकन पकड़ना है, ये मुर्गी वाला है. तो मुर्तजा वहाँ अस्सलाम वालेकुम, मुर्गी चाहिए यार. सो अभी हम जो है यहाँ मार्केट से चीज़ें परचेज कर रहे हैं, बल्कि कर ली हैं. मैं बस वेट कर रहा हूँ, रोटी बन रही है यहाँ से. और यहाँ से मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि सुदन गली से जब आप मेन बाज़ार से आगे आते हैं गंगा चोटी की तरफ, तो जहाँ से गंगा चोटी की तरफ रोड मुड़ रही है वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है. वहाँ पे आपको तमाम ज़रूरत की चीज़ें इजीली आपको मिल जाती हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अंडे चाहिए, ब्रेड चाहिए, दही चाहिए, इसके अलावा रोटी चाहिए, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, किराना स्टोर्स, कुछ भी, व्हाटएवर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. और एक नहीं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं. और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडली हैं. छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि लास्ट एपिसोड में जब आपने देखा था कि हमने दिन को भिंडी बनाई थी, तो यकीन करो जितनी हमने चीज़ें भिंडी के लिए यूज़ की, सब्ज़ी में प्याज, टमाटर, मिर्चें, भिंडी, सारा का सारा हमें शॉप वाले ने फ्री दिया है. हमने बहुत ज़िद की, बहुत ज़िद की, तब जा के उन्होंने सिर्फ 50 रुपये हमसे लिए. तो मतलब यहाँ के लोग बहुत नाइस हैं, बहुत नाइस हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट को. तो हमें भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इनके एरिया में आते हैं तो इनकी जो तहजीब है उसका ख्याल रखना चाहिए हर तरह से. और जितना इनको सपोर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि इनका यही बिज़नेस है. मतलब ये इस चीज़ को चला रहे हैं और इखलाक के बहुत अच्छे लोग हैं. तो अभी रोटी मैं बनवा रहा था तो उन्होंने मुझे पहले एक रोटी एज अ सैम्पल दिखाई कि सर आपको ऐसी रोटी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी मोटी रोटी चाहिए. मैं गंगा टॉप पर लेके जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर वो ड्राई ना हो जाए. हो गई सर, मैं आपको पैसे देता हूँ. ठीक है, तो रोटी मेरी आ गई है. तो अभी मुर्तजा लोग नीचे बाकी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, इवन टिश्यू पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, टिश्यू रोल और व्हाटएवर, मतलब हर ज़रूरत की चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है. सो अभी मुर्तजा लोग आते हैं तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ गंगा चोटी का ट्रैक. सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ से तकरीबन 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा बाइक पर, और जहाँ तक बाइक जा सकेगी हम वहाँ तक जाएँगे, वहाँ हम कैंप लगाएँगे और बाकी की बातें फिर वहाँ पहुँच ही करते हैं. अबे यार गद्दी भी नहीं उठाई थी. इसके अंदर नहीं गया हुआ पानी? इसके अंदर पानी हो गया, बस मैं भी उतारना भूल गया. ग्लासेस भी गीले हो गए, वो चार्जर भी लगा हुआ था लेकिन ऑफ था. यार ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे नहीं होगी, लेकिन अहमद का देख लो यार, अहमद को बिकॉज यू नो उसका सीन बैड है. फिर अंदर ही बैठो, ये मजाक हो रहा है हमारे साथ, ये मजाक हो रहा है, मजाक 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 मजाक. हाँ ये चढ़ा चढ़ा चढ़ा.
हाँ somehow safe. पानी इज फ्रीजिंग कोल्ड नाउ. मुझे लगता है रात को मैं बॉयल करके पीना पड़ेगा. ये जो आपने कोल्ड ड्रिंक ली है ना, ये आपका बैड डिसीजन था. इसने इतना ठंडा हो जाना है कि हमारे गला ख़राब करेगी. इसका बेस्ट हल था खाने के साथ चाय या ग्रीन टी होनी चाहिए थी. बिकॉज वी आर गोइंग इन टू अ विंट्री प्लेस. बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही. ऑल दो स्काई इज क्लियर नाउ, इतने ज़्यादा क्लाउड्स नहीं हैं एज यू कैन सी, और वहाँ से सनलाइट भी नज़र आ रही है. बट बारिश जो है हो रही है मुसलसल सिर्फ इसी जगह पे. तो ये रुके तो हम आगे निकलें, बिकॉज हम सामान तो हमारा सारा पैक है, बाइक से ऊपर लगा हुआ है, कंप्लीट वाटरप्रूफ है, और हम बस वाटरप्रूफ नहीं हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके तो निकलें, बिकॉज गीले हो गए ना तो काम ख़राब होगा. और अभी यहाँ पे इस टाइम सही वाली ठंड पड़ना शुरू हो गई है, और ऊपर तो बस हम सोच भी नहीं सकते कि ऊपर क्या होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ रियल एडवेंचर. सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से मेन मार्केट से ऊपर गंगा चोटी की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. तो 164 हुआ है अभी तक. ऊपर जाके देखते हैं कि कितना होता है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ से लेके टॉप तक कितना है. और टाइम हो रहा है जनाब 5:02, सो ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई. टाइम भी हम देख लेंगे. रियली मिसिंग माई माइक अडेप्टर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सीन थे, और मैंने उसने अनफॉर्चुनेटली GoPro भी उतारा हुआ था. लुक एट द व्यूज यार, सुभान अल्लाह, कुदरत के नज़ारे नज़ारे. और वहाँ पर सारी बर्फ़ पड़ी है उस तरफ वाले पहाड़ों पर, सुबह दिखाऊँगा. ओह माई गॉड, क्या लश ग्रीन जो है मेडोज़ हैं, और यार इट्स ऑसम. चलो आगे चलते हैं, बिकॉज हमने कैंप भी डिप्लॉय करने हैं. And we are getting wet. हमने रेन कोट्स भी नहीं निकाले. The tent is almost. हमें यहाँ पे कैंपिंग साइट भी देखनी है कि हम कैंप कहाँ पे लगा सकते हैं. ओह माय गॉड, नीचे क्या व्यू है, और उफ बहुत खूबसूरती है यार. GoPro नहीं दिखाई ऐसी. हाँ ऊपर भी कैंप्स लगे हुए हैं, और हमें यहीं कहीं कैंप लगाना होगा, बिकॉज टॉप पे तो कैंप नहीं लग सकता, किसी ने भी नहीं लगाया हुआ.
कैंप वाला सीन हमारा ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ना एक कैंप लगा हुआ था पहले, एंड तेज़ हवा की वजह से वो सारा उड़ के उस साइड पे यू नो सारा घर चला गया। सो इसी बेस की वजह से अभी हम लोग कोई और कैंप लगाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे हमने लाइक हमने प्रॉपर लगाया फिर उतार दिया जिन्होंने रिस्क है, अगर हम लोग यहाँ पर लगाए कुछ में सैर हो जाता। और ये ओले पड़ने शुरू हो गए हैं एज यू कैन सी। हाँ जी पढ़ रहे हैं, ये लग रहे हैं। कुछ ये सूरत हाल है, जब बारिश हो रही थी तो अहमद ने दुआ की कि धूप निकल आए और धूप निकलते साथ ही इतनी खूबसूरत रहे। भाई आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, बारिश के बाद जो आपने धूप की दुआ की थी ना धूप निकल आई है। भाई रहन तो देखो। माय गॉड ये चेक करें। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम गंगा चोटी। और अभी हमने कैंप अपना जो है टेंट पिच कर लिया। हुआ ये था कि जब हम यहाँ पहुँचे तो एक्सट्रीम बारिश हो रही थी जैसे कि आपने देखा, और पहले हमने कैंप की एक जगह डिसाइड की लेकिन वहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी, फिर बारिश बहुत तेज़ आना शुरू हो गई तो बिल्कुल भीग गए। सामान हमने सारा खोला हुआ था, सारा कुछ गीला हो गया, ओले भी पड़े और ओले भी बहुत ज़्यादा पड़े, और उसके बाद जो है कि ठंड से बुरा हाल हो गया। तो वी वर एक्चुअली हेल्पलेस, सिर्फ बारिश उसके बाद रुकी, और बारिश में जो है हम बाइक्स को फिर वहाँ से दूर से यहाँ लेके आए ड्रिफ्टिंग करते हुए, और उसके बाद फिर जो है अभी बारिश ख़त्म हुई है और अभी लग ही नहीं रहा कि जैसे बारिश हुई थी, आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो अभी हमने यहाँ पे टेंट अपना पिच कर लिया है। सो अभी जो है हम जल्दी से कैंप के अंदर अपना सामान रखने लगे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी गीली हो चुकी हैं, उनको कुछ ड्राई करने का बंदोबस्त करते हैं और सेटअप करेंगे। हाँ कुछ सेटअप करते हैं, चीज़ें जो हम अंदर लेके जा सकते हैं वो अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हमने कुकिंग भी करनी है। और एक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा सीन हो रहा है। सो द सनसेट इज़ हैपनिंग। हम बारिश से जो है बिल्कुल भीगे हुए थे और काफ़ी तंग आए हुए थे, सो वी मिस द सनसेट। या सो सवा 8 बज चुके हैं और अभी हमने अपना सारा सेटअप कर लिया है, बस अब कुकिंग का सीन बाकी है। सबसे पहले हम चाय बनाने लगे हैं बिकॉज ठंड ज़बरदस्त किस्म वाली लग रही है, उसके बाद फिर हमने चिकन कढ़ाई बनानी है। सो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चाय। टेम्परेचर दिखाना लड़के, एक GoPro करीब करो टेम्परेचर के, ऐसे बस ठीक आ गया। सो 11.5 इज़ द टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, और अभी इसने और नीचे जाना है क्योंकि हम वार्म अप हुए हुए हैं, काम कर रहे हैं तो इतना हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही बॉडी नॉर्मल होगी तो उसके बाद हमें ठंड लगना शुरू होगी। अभी हम चाय बनाने लगे हैं। सो चिकन अभी हम कढ़ाई स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई कर लूँगा थोड़ा सा। और सीन चेक करो हमारा, वो हमने कैंप लाइट लगाई है और दिस इज़ आवर कैंप, और उसके ऊपर हमने थोड़ी सी शेड सा बना के ना, और इसके नीचे हम बैठे हुए हैं और
टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो है इट्स गोइंग डाउन। और अभी जो है यहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं ये लोग, और मैं अभी चिकन को फ्राई करने लगा हूँ, तो फिर कढ़ाई का हम सीन करते हैं प्रॉपर। चाय कैसी बनी थी बॉयज़? सही मज़ा आया ना, बिकॉज ठंड में तकरीबन जो हमने 2-3 घंटे बाहर हुए हैं ठंड के अंदर, सारी थकावट चली है। एंड यू बॉय? यार ओह जबरदस्त है। चलें अभी बनाते हैं कढ़ाई। रोटी गर्म हो रही है और ये बन गई हमारी। ये पकड़े पकड़े कढ़ाई की एक लुक आपको दिखा देते हैं। इट लुक्स यम्मी। और अभी जो है हम खाने लगे हैं और बिल्कुल पैक होके बैठे हैं। पीछे सीन नजर आ रहा है ना? यस यस फुल सीन। हमारा कैंप का सेटअप था सारा। और अभी हम जो है हम खाना खाने लगे हैं। इसने अपना खाना डाल लिया और मैं और मुर्तजा उसी के अंदर जो है शुरू करने लगे हैं। सीरियसली सर मज़ा आ गया। अच्छी है। चले अब मैं खुद भी खाऊं, वरना खा जाएगा सारे अहमद। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगा ज्योति। और सही किस्म वाला तूफ़ान चलता रहा पूरी रात, और अभी भी बहुत तेज़ हवाएं हैं और बारिश हो रही है। और सो अभी का सीन ये है कि हम उठ रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के, और अभी हमें लग रहा था कि हवा तेज़ होगी तो हमारा कैंप उड़ जाएगा। सो मजबूरन हम उठे और अभी ये करना है कि हमने 2 लोग कैंप के अंदर हैं, मैं बाहर हूँ, मैंने रेनकोट पहन लिया, मैं चीज़ें को पकड़ा हुआ दिन पैकेट आप अंदर ही था कि कम से कम चीज़ें गीली हों। बाइक पे लोड्स करेंगे तरपाल के नीचे जो है, हम बाइक्स लेके जाएंगे, लोड करेंगे चीज़ें और वन बाई वन हम इस तरह फिर कोशिश करें ताकि हमारे बाइक्स जो है पैकअप हो जाएँ, फिर बेशक हम भीग जाएँ डजेंट मैटर। लेकिन ठंड जो है ना, माई हैंड्स आर गेटिंग कोल्ड।